दोस्तों क्या आप साइट इंजीनियर बनना चाहते हो? क्या आपने अभी अभी इंजीनियरिंग पास किया और आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं कुछ दिन साइट पे जाके कुछ एक्सपीरियंस लूंगा, कुछ सीखूंगा किस तरीके से मैनुअल होता है? तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए, इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको पता चल जाएगा कि अगर हमको साइट पे जाना है तो क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए साइट पे जाने से पहले। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिमिलियानी मेक योरसेल्फ यूनिक। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें अगर साइट इंजीनियर बनना है, साइट इंजीनियर क्यों बनना है, क्योंकि काफी लोगों का होता है कि मैं साइट पे जाकर रियल एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं एक साल का, छह महीने का। बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपका ऑब्जर्वेशन ज्यादा क्लियर होता है। तो अगर आपको जाना है साइट पे और कुछ दिन के लिए आपको ट्रायल करना है या साइट पे ही करियर बनाना है, बनता भी है करियर, तो आपको क्या क्या चीजें पढ़ के जाना चाहिए साइट इंजीनियरिंग के इंटरव्यू के लिए। देखो यार, अगर आप दुकान पे जा रहे हो तो दुकान वाला क्या पूछता है कि आपको सामान सेल करना आता है क्या, मतलब प्रोडक्ट सेल करना आता है क्या, करेक्ट। इसी तरीके से जब आप साइट पे जाते हो तो साइट वाला भी अपने काम के बाद आपसे करता है, वो आपसे चेक करता है कि आपको ये चीजें आती है जो उसके पास काम है। तो उसके पास काम क्या क्या होता है ये समझ लो। सबसे पहला काम उसके पास होता है कि ड्राइंग को आप रीड कर पाते हो क्या, क्योंकि मेन काम ही साइट इंजीनियर का यही है कि आपको ड्राइंग अच्छे तरीके से रीड कर पाओ, और अच्छे तरीके से ड्राइंग रीड कर पाओगे तो आप लेबर को बता सकते हो कि इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करना है। और कॉन्ट्रेक्टर को भी कभी 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 समझ में नहीं आता है तो आप ही हेल्प करते हो कॉन्ट्रेक्टर को समझाने में। तो पहला काम है आपको अपनी ड्राइंग रीड करना आना चाहिए। तो आप ड्राइंग रीड करने के लिए करोगे क्या, ड्राइंग रीड करने के लिए आपको स्ट्रक्चरल जो सिंबल्स होते हैं अच्छे अच्छे, मतलब जो मेन सेंटर लाइन है, ठीक है, प्रॉपर्टी लाइन है, लेआउट है, ये सब सिंबल्स आपको पहचानने चाहिए। अच्छे से अगर इनकी पहचान है तो आपको रीड करना बड़ा इजी हो जाता है। उसके बाद आर्किटेक्चरल सिंबल समझ लो, आर्किटेक्चर सिंबल में अच्छा ये वॉल है, ये बीम का सिंबल है, ये सॉरी ये वॉल है, ये डोर का सिंबल है, ये विंडो का सिंबल है, ये आप रीड करना सीख लो। तो जब इनको रीड कर लोगे तो आपका पहला काम हो गया क्या, आप ड्रॉइंग को रीड करके सामने वाले को बता सकते हो। इसका तो जरूर आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पूछेंगे पूछेंगे इससे। दूसरा, अगर ये स्टील का साइट है तो आप कनेक्शन, बेस प्लेट, फुटिंग, ग्रिलेस फुटिंग, इनके बारे में पढ़ डालना। अगर आरसीसी है तो आपको इन बीम्स कॉलम फुटिंग आरसीसी के बारे में पढ़ लेना है कि आरसीसी की फुटिंग से। इसके बाद दूसरी चीज इंपॉर्टेंट आती है, वो ये होता है आपको कवर चेक करना आता है क्या, किस चीज का कितना कवर होता है ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कवर समझ में आता है तो आप क्लियर समझ पाओगे कि अच्छा ठीक है, बीम में इतना कवर देना है, 40 mm देना है कि 40 mm देना, मतलब 25 mm देना है, नहीं 25 mm देना है बीम में, कॉलम में कितना देना है, नहीं 25 नहीं देना है, 40 देना है, स्लैब में कितना देना है, 15-20 देना है, आपको फ्लैट स्लैब में कितना देना है, 20 mm देना है, फुटिंग में कितना देना है, 50 mm देना है। तो ये अब कवर आपको आइडिया पता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं, और कवर के बारे में आपको आना ही आना चाहिए, साइट के लिए सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहता है। इसके बाद दोस्तों आपको मिक्स प्रपोजल के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मिक्स प्रपोजल साइट पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मिक्स प्रपोजल आपको पता है कि M50 का कितना होता है, M20 का कितना होता है, तो ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो आपको अच्छे तरीके से मिक्स प्रपोजल, और अच्छा होगा कि आप मिक्स डिजाइन भी सीख के जाओ, क्योंकि कभी कभी मिक्स डिजाइन भी करवाना पड़ जाता है कुछ साइटों पर जहाँ पे रेडी मिक्स कंक्रीट बन के नहीं आता वहां पे। तो अगर आपने मिक्स डिजाइन सीखा है और मिक्स प्रपोजल आपको हर चीज का आता है तो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, जैसे सबसे ज्यादा वर्केबिलिटी के लिए स्लम टेस्ट आपको करना ही करना है साइट पे, तो आप स्लम टेस्ट सीख के जाइए। उसकी रीडिंग 50-100 है तो किसके लिए यूज कर सकते हैं, 25-50 है तो कहाँ यूज कर सकते हैं, 100-125 है तो कहाँ यूज कर सकते हैं। तो आपको स्लम टेस्ट अच्छे तरीके से, उसके जो रिजल्ट है उसके ट्रू स्लम्प, जीरो स्लम्प और कोलैप्स है और सीयर स्लम्प है, इसके बारे में इनके डायग्राम्स कैसे होते हैं इसको जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि इससे आपको काफी कुछ बेसिक्स आइडिया लग जाएगा। तो अगर आपको इस तरीके से टेस्टिंग आ रही है, उसके बाद जैसे कि सीमेंट है, सीमेंट के कलर से टेस्ट, उसके अंदर लम्स तो नहीं है उसके बारे में टेस्ट, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। सीमेंट को रखना कैसे है, मीन्स सीमेंट जो है उसको जमीन में नहीं रह सकते क्योंकि उसके अंदर सिल्का कंटेंट होता है, तो आपको उसको ऊपर रखना है, ब्रिक के ऊपर रखना है, इसकी छोटी छोटी सावधानियाँ हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि सीमेंट को आपको किस तरीके से रखना है। अगर ये आपको आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए 1 m³ में कितनी ब्रिक्स होती है,
सीमेंट का जो वैग होता है उसका वेट कितना होता है, उसके अंदर जो वॉल्यूम होता है कितना वॉल्यूम सीमेंट होता है, ये सब छोटी छोटी चीजें अगर सीख लेते हैं तो आप इंटरव्यू में काफी अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। उसके बाद कौन सा कोड यूज करो, क्योंकि कोई चीज प्रॉब्लम आती है तो तुरंत कोड खोलते हो। आरसीसी का काम चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए 456 होता है आरसीसी के लिए, और एक बार 456 को गो थ्रो हो लेना। क्यों? क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है आपको नहीं समझ आ रहा तो आप 456 पे जाके देख के काम को आगे करवा सकते हो। बस इतनी सी चीज अगर आपने अच्छे तरीके से सीख लिया तो मुझे लगता है आप बहुत इजीली साइट इंजीनियरिंग का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। काफी लोग गए होंगे साइट इंजीनियरिंग के इंटरव्यू के लिए, अगर गए थे तो आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा था नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मतलब पूछा था और आपको नहीं आया वो क्वेश्चन यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, तो हमें भी आइडिया लगेगा अच्छा और भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इतने क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो साइट इंजीनियरिंग का इंटरव्यू क्रैक हो जाता है, क्योंकि सामने वाले को जो काम चाहिए था वो आपको आता है तो आप परफेक्ट है उस चीज के लिए। आप उसमें सेंटर लाइन वगैरह आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जैसे मैंने बोला ड्रॉइंग को रीड करना मतलब एवरीथिंग अबाउट ड्रॉइंग, ये आपको क्लियर कर लीजिए, डेफिनेटली आप क्रैक कर लेंगे। बहुत इजी होता है साइट इंजीनियरिंग का इंटरव्यू क्रैक करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, आपको लगा कि नहीं सर ने कुछ काम की चीजें हमें बताई है, तो लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता है तो आप प्लीज लाइक करना, और साथ ही साथ शेयर बटन पर क्लिक करके 10-15 मित्रों को अपने व्हाट्सएप पे, चाहे कोई ग्रुप होगा आप सबके पास ग्रुप तो होता ही है, ग्रुप में शेयर कर देना, फेसबुक पर डायरेक्ट शेयर कर दो। ये मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ क्योंकि आपको सभी जरूरत है। हमें सब्सक्राइबर अगर हमारे पास आते हैं तो हमारी जो कनेक्टिविटी है ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो हमारी जो बात है वो ज्यादा लोगों तक और ज्यादा लोगों को प्रॉफिट होगा, और लोगों को प्रॉफिट के साथ मेरा भी प्रॉफिट होगा, तो कहीं ना कहीं हम दोनों का है। तो अच्छा होगा कि आप इसको शेयर करिए, और साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तब तो यार मेंबर ही नहीं बने तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि डेली हमारी 8 बजे वीडियोस आपको मिल जाती है। इधर बीच एक दो दिन से थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था क्योंकि न्यू ईयर था, उसके बाद तरह तरह के कुछ मैं आपके लिए कोर्स वगैरह भी तैयार कर रहा हूँ तो थोड़ा बिजी हूँ, बट जल्दी ही मैं आपको फिर से रेगुलर 8 o'clock पे आपको वीडियोस मिलने लगेंगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।